अगर आप भी एक YouTube क्रिएटर हैं और वीडियोस बनाते हैं तो जब भी आप अपने वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो उसके बाद अपनी वीडियो की एडिटिंग करते ही होंगे वो भले ही आप अपने स्मार्टफोन से करो या फिर कंप्यूटर लैपटॉप से करो दोनों ही कंडीशन में हम अपने वीडियो की एडिटिंग करते हैं और चाहते हैं कि हम अपने वीडियो की एडिटिंग और अच्छा से अच्छा करें ठीक है लेकिन जब आप इनिशियल स्टेज पर होते हो जब आप अभी स्टार्ट कर रहे हो वीडियोज़ बना रहे हो तो बहुत सारे लोग बहुत तरह के मिस्टेक्स करते हैं अपने वीडियो एडिटिंग के दौरान मतलब कि वो कोई बड़े मिस्टेक्स नहीं है छोटी छोटी चीज़ें हैं बट उसकी वजह से आपकी वीडियो में जो भी आपने मेहनत की हुई है उस पर बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट पड़ सकता है और पड़ता भी है ठीक है हो सकता है कि आप अभी स्टार्ट किए हो और आपको ये चीज़ें पता ना हो तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको अपनी वीडियो एडिटिंग के दौरान नहीं करनी है वो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है निशांत कुमार और आप देख रहे हैं सीखो कंप्यूटर एंड टेक यूट्यूब चैनल तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं देखिए सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक की ठीक है तो आपकी किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो हो अगर आप अपने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो मतलब कि आपकी वीडियो जिस भी टॉपिक के ऊपर है और आपको रिक्वायरमेंट है कि हाँ मैं बैकग्राउंड म्यूजिक अपनी वीडियो में यूज करूँ तो आपको करना चाहिए ठीक है लेकिन अगर आपकी वो वीडियो ऐसी है जिसमें आपने अपनी आवाज़ दे रखी है तो उसमें जो आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रहे हो उसका वॉल्यूम बहुत ही कम होना चाहिए यानी कि बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक अप्लाई करते हैं अपनी वीडियो के अंदर और उसका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा तेज़ रख देते हैं और होता क्या है कि उनकी मेन जो खुद की वॉइस होती है वही कम हो जाती है और बैकग्राउंड म्यूज़िक का जो वॉल्यूम होता है वही तेज़ हो जाता है तो इस बात का आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि जब भी आप बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाओगे तो उसकी वॉल्यूम आप कम रखो मतलब 10 परसेंट बारह परसेंट चौदह परसेंट इससे ज़्यादा मत रखो यानी कि इतना रख करके उसको प्ले करके आप देख लो तो समझ में आएगा और इस चीज़ को और भी बेहतर तरीके से अगर समझना है तो कान में अपने ईयरफोन लगा लो और वीडियो एडिटिंग के दौरान जब आप बैकग्राउंड म्यूजिक अप्लाई कर रहे हो तो उसमें सुनोगे तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा ठीक है तो यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है कि जब भी आप बैकग्राउंड म्यूज़िक अप्लाई करो तो उसका वॉल्यूम आपके मेन वॉल्यूम से बहुत कम होना चाहिए बस पता चलना चाहिए कि बैकग्राउंड म्यूजिक आपने लगाया हुआ है और यहीं पे दूसरी कंडीशन एक और है कि मान लीजिए कि आपकी कोई भी वीडियो है और उसमें आपने अपने वॉइस दे करके वीडियो बनाई हुई है मतलब कि अगर आप अपनी वॉइस देकर के वीडियो नहीं बनाते हो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के बनाते हो तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है लेकिन ऐसी वीडियो जिसमें आपने अपनी खुद की वॉइस दी हुई है और जो वीडियो आपने बनाई हुई है उस वीडियो में थोड़ा सा शोरगुल ऐड है यानी कि थोड़े से नॉइज है बाहरी आवाज़ उसमें मतलब ऐड है आप कोशिश करते हो कि साइलेंटली वीडियो बनाए अच्छे तरीके से बट बहुत बार ये चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होता है ठीक है मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को कितना मुश्किल होता है अपने घर में साइलेंटली मोड में वीडियोज को रिकॉर्ड करना शूट करना ठीक है तो ऐसे कंडीशन है मान लीजिए कि आपकी जो भी वीडियो है उसमें आपने अपनी वॉइस दी है उस वीडियो को क्रिएट किया है बट शोरगुल उसमें कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके की आवाजें आ गई हैं बच्चों के चिल्लाने की हंसने की आवाज़ें या फिर किसी भी तरीके की तो उस वीडियो में आप करके सकते हो कि दो चीज़ें कर सकते हो या तो उस उस आवाज़ को आप एडिट कर सकते हो ऑडियो एडिटर से लैक्सिस ऑडियो एडिटर से उस आवाज़ को एडिट करके और उसको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ठीक है तो लैक्सिस ऑडियो एडिटर से किस तरीके से अपने वॉइस को हम एडिट कर सकते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी उस वीडियो को देख लीजिएगा और नहीं तो मतलब किस तरीके से आप ऑडियो एडिट कर लो और नहीं तो आप करो क्या कि आप उस वीडियो के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक अप्लाई करो और बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा सा एकदम से मतलब हल्का सा तेज रखो ताकि जो शोरगुल है उस बैकग्राउंड म्यूजिक में छिप जाए आप मतलब ऑडियंस को ज़्यादा पता ना चल पाए ठीक है मतलब ये तरीका हम ट्राई कर सकते हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की वो है साउंड इफ़ेक्ट्स ये तो अभी हमने बात की बैकग्राउंड म्यूजिक्स की अब हम बात कर रहे हैं साउंड इफ़ेक्ट्स की ठीक है तो YouTube पे आपको बहुत सारे फ्री में साउंड इफेक्ट्स भरे पड़े हैं ठीक है जैसे कि मेरे जो अभी इस वीडियो में जो भी टेक्स्ट लिख के आ रहे हैं वो जो टेक्स्ट है वो एक साउंड इफेक्ट के साथ मेरे वीडियो में अप्लाई हो रहे हैं ठीक है तो वो जो साउंड इफेक्ट है वो माउस क्लिक का है जिस तरीके से हम कंप्यूटर का माउस क्लिक करते हैं सेम वही साउंड आपको सुनने को मिल रहा होगा ठीक है और इस तरीके के बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स भरे पड़े हैं बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं साउंड इफेक्ट्स वो यूट्यूब पे आपको फ्री में मिल जाएंगे बहुत सारे भरे पड़े हैं दो सेकेंड तीन सेकेंड इतने के होते हैं उनको डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो अपनी वीडियो के अंदर ठीक है उसी में से एक होता है वो साउंड इफेक्ट उसका भी मैं यूज करता हूँ जब मैं अपने वीडियो में ट्रांजिशन इफ़ेक्ट अप्लाई करता हूँ यानी कि जब भी आप मेरी वीडियो देखते हो और उस वीडियो में एक ट्रांजिशन आता है जैसा कि अभी आया और ये जब ट्रांजिशन इफेक्ट आया और इसके साथ एक साउंड भी अप्लाई हुआ तो इसी साउंड को हम वो साउंड इफेक्ट कहते हैं तो इस तरीके के बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स होते हैं तो इनको भी हमें अपने वीडियो में यूज करना चाहिए ठीक है जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की वो है टेक्स्ट यानी कि आप अपने वीडियो में टेक्स्ट लिखते हो किसी भी तरीके की आप वीडियो बना रहे हो और अपनी वीडियो में अगर आप टेक्स्ट लिखते हो तो उस टेक्स्ट को ज़्यादा बड़ा मत लिखा करो मतलब कि बहुत सारे लोग करते क्या है कि अपने फुल स्क्रीन पे टेक्स्ट लिख देते हैं ठीक है या फिर टेक्स्ट आधा आधा वीडियो में मतलब आधे स्क्रीन पे पूरा टेक्स्ट ही होता है ऐसा नहीं करना चाहिए आप टेक्स्ट लिखो प्रोफेशनल तरीके से लिखो और टेक्स्ट में अगर पॉसिबल हो तो ज़्यादा व्हाइट कलर ही यूज करो तो वो एकदम से प्रोफेशनल लगता है ठीक है व्हाइट कलर का टेक्स्ट यूज़ करो और एकदम से मीडियम उसका साइज़ रखो ज़्यादा बड़ा साइज मत रखो और उसका एक परफेक्ट चुन लो ठीक है ये चीजें आप जब वीडियो एडिटिंग के लिए कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करोगे उसमें मिल जाती हैं ठीक है थीके? कोई भी एक परफेक्ट सब फ़ॉन्ट चूज कर लो व्हाइट कलर ले लो या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं कोई और अदर कलर मुझे यूज करना चाहिए तो आप कर सकते हो ठीक है और उसमें एनिमेशन भी ज़्यादा घूम घुमा वाले एनिमेशन मत लगाओ मतलब यानी कि बहुत सारे लोग करते क्या है कि टेक्स्ट में ऐसे एनिमेशन अप्लाई करते हैं कि टेक्स्ट उनका राउंड घूमते रहता है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एकदम एक से सिंपल चीज़ें करें ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें करने की जरूरत नहीं है एकदम से सिंपल चीज़ें करें वो बहुत ही बेहतरीन ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो को बना देंगे ठीक है सिंपल से टेक्स्ट आया वो व्हाइट कलर या फिर किसी भी कलर में लिखा हुआ है अब यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज आप ये कर सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट आपके वीडियो में आया तो एक साउंड इफेक्ट के साथ आपके वीडियो में एंटर करें तो और भी अच्छा लगता है ठीक है जिस तरीके से अभी आया ठीक है ये चीज़ें आप कर सकते हो अब नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट्स की तो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट क्या होता है पहले आप ये समझ लो कि जैसे ये मेरी वीडियो है ये वीडियो चल रही है और इसी वीडियो में कुछ बोल करके एंड करता हूँ और इसी वीडियो में कोई दूसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ मतलब कि ये जो हिस्सा है ये ख़त्म हुआ और अब मैं दूसरे हिस्से में एंटर कर रहा हूँ तो बीच में हम किसी भी तरीके का एक ट्रांजिशन इफेक्ट लगा देते हैं जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये जो अभी होके गया ये एक ट्रांजिशन इफेक्ट था और ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट था एक साउंड के साथ भी गया साउंड इफेक्ट के साथ गया तो ये बहुत ही अच्छा लगता है तो इसी चीज़ को हम ट्रांजिशन इफेक्ट बोलते हैं और ये ट्रांजिशन इफेक्ट आपको हर वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में मिल जाएगा वो मोबाइल का हो या फिर लैपटॉप कंप्यूटर का हो तो इसका भी यूज आपको करना चाहिए लेकिन जब आप ट्रांजिशन इफेक्ट का यूज कर रहे हो जो सिंपल तरीके के ट्रांजिशन इफेक्ट होते हैं उन्हीं का यूज करें या फिर ट्रांजिशन में एक और इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं फेड यानी कि थोड़ी सी स्क्रीन ब्लैक होगी और उसके बाद फिर से नॉर्ड

और लगाना भी चाहिए आपको ठीक है अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है वीडियो को कट करना ट्रिम करना यानी कि आपने किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई हुई है तो हम जब भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मतलब कि हर एक वर्ड सही से नहीं निकलता है मेरे साथ भी ये चीज़ें होती है और मैं भी अपनी वीडियो को ट्रिम करता ही हूँ सब सारे लोग ऐसा करते हैं ठीक है थीके? तो आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लेना चाहिए कि अपने वीडियो को किस तरीके से ट्रिम किया जाता है मतलब कि जो भी अनिसेसरी हिस्सा है उस वीडियो में जो भी फालतू की चीज़ें हैं उसको कट करके अलग कर देना है वीडियो में रखने की जरूरत ही नहीं है वो वीडियो के बीच में हो या फिर एंड में हो या फिर स्टार्ट में हो कहीं पे भी है उस चीज़ को आपको कट करके हटा देना है अपनी वीडियो क्लिप से ठीक है और अपनी वीडियो को किस तरीके से कट एंड ट्रिम आप कर सकते हो अपने स्मार्टफोन से इसके ऊपर मैंने एक अलग से फुल ट्यूटोरियल वीडियो बनाई हुई है उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उस वीडियो को भी आप देख सकते हो अब नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं वो है इमेज यानी कि आपका वीडियो जिस भी टॉपिक के ऊपर है अगर उस वीडियो में रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ की इमेज दिखाने के पिक्चर दिखाने के तो आप जरूर लगाओ ठीक है अपनी वीडियो में मेरे कहने का मतलब यह है कि अपनी वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग और भी खूबसूरत बनाने के लिए जब जब आपको लगे कि वहां पे टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट लिखो आप जहां पे लगे कि किसी भी तरीके का इमेज लगाना चाहिए तो आप लगाओ ठीक है उस चीज को ब्लैंक नहीं छोड़ना है क्योंकि इस तरीके से जब आप अपने वीडियो में टेक्स्ट यूज करते हो इमेज यूज करते हो तो वो वीडियो थोड़ा सा और इंटरेस्टेड हो जाता है मतलब कि आपके ऑडियंस को अच्छा लगता है वो बोर फील नहीं करते हैं ठीक है थीके? जैसा कि आपने मेरी वीडियोज में भी देखा होगा कि मुझे जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे इस तरह के इमेज की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर मैं उस तरह के इमेज को यूज करता हूँ ठीक है तो आप भी ये चीज़ जरूर कीजिएगा और जब भी आप कोई इमेज या फिर किसी भी तरीके का वीडियो क्लिप भी अपनी वीडियो के अंदर यूज कर रहे हो तो उस इमेज को पूरा बड़ा करके नहीं दिखाना है मतलब कि आपके वीडियो में जहाँ पे साइड में कहीं पे भी जरूरत हो वहाँ पे उसको लगाओ या फिर अगर जरूरत पड़े तो आप फुल स्क्रीन पे भी कुछ देर के लिए लगा सकते हो ऐसा नहीं करना है कि पूरा इमेज यहाँ से ऐसे खुल करके इतना बड़ा हुआ साइड में चला गया फुल स्क्रीन पर है जैसे तैसे नहीं करना है एक साइड में कहीं पर लगाओ आप या फिर कुछ सेकेंड के लिए फुल स्क्रीन पर भी लगा दो आप ऐसा कर सकते हो मतलब कि उठपटांग तरीके से यूज नहीं करना है ठीक है अब बात करते हैं ग्रीन सब्सक्राइबर्स बटन की यानी कि अभी जो आपको मेरी वीडियो में दिख रहा है इस तरह के सब्सक्राइबर बटन लोग अपने वीडियो में यूज़ करते हैं और अगर आपको नहीं पता है कि इस बटन को किस तरीके से अपने वीडियो में अप्लाई किया जाता है तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा तो होता क्या है कि इस तरह के ग्रीन सब्सक्राइबर बटन का यूज बहुत सारे लोग करते हैं तो उसका जो ग्रीन जो क्रोमा की होता है उसको रिमूव ही नहीं करते हैं ऐसे ही यूज कर लेते हैं और पूरे के पूरे स्क्रीन पे लगा देते हैं तो ऐसा ना किया करें आप ठीक है ये चीजें बहुत ही बेकार लगती हैं। इस चीज़ को नहीं करना है आपको ठीक है अगर अभी तक आप करते आए थे तो नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ें मत कीजिएगा सब्सक्राइबर वाला जो एनिमेशन होता है उसको छोटा करके और अपने वीडियो में कहीं पर भी लगाओ नीचे बीच में सेंटर पर लगा दो साइड में लगा दो जहाँ पर भी मर्जी करे वहाँ पर आप लगाओ बट पूरे स्क्रीन पर यहाँ वहाँ मत लगाया करो ठीक है और इसी तरीके से जब आप अपने वीडियो में लाइक बटन अप्लाई करते हो जिस तरीके का लाइक बटन होता है जैसे कि अभी मेरे वीडियो में आपको शो हो रहा है आप ऐसा या फिर कोई इमेज भी अगर लगाते हो तो उसको उसको भी एक प्रॉपर साइज दिया करो मतलब कि उसको फुल साइज में ना लगाया करो मतलब कि पूरे स्क्रीन पर आपकी वीडियो के पूरे फुल स्क्रीन पे सिर्फ लाइक बटन ही दिखे ऐसा नहीं करना चाहिए आपको मतलब छोटा सा करके कहीं पे भी कॉर्नर में लगा दिया बस हो गया ठीक है इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है और अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप अपनी कोई भी वीडियो बना रहे हो और उसमें अगर आपने कोई भी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर किया है या फिर किसी भी तरीके की पिक्चर शेयर की है तो उस चीज़ को अगर आपको लगे कि इसको हाइड करना चाहिए मतलब कि वीडियो में उसको छुपाना चाहिए ये हिस्सा लोगों को नहीं दिखना चाहिए तो उस चीज़ को आप हाइड करो बहुत ही जरूरी है इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और इस तरह की कभी भी रिक्वायरमेंट आपको लगे कि इस चीज़ को हाइड करना चाहिए वीडियो में मतलब कि एक सेकंड के लिए हम हाइड कर दें या फिर दो मिनट के लिए हाइड करें जितनी देर की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को हाइड करने की ज़रूरत है तो उसको हाइड कर देना है ऐसे ही नहीं छोड़ना है और अपने वीडियो में किसी भी चीज़ को आप किस तरीके से हाइड कर सकते हो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा अब एक और चीज़ है कि आपको अपने वीडियो में जूम इफेक्ट का भी यूज़ करना चाहिए

तो उस वीडियो में अगर आप अपनी वॉइस दे रहे हो तो वॉइस इतना दो कि ताकि लोगों को पता चले कि आप बोल क्या रहे हो मतलब कि बहुत सारे लोगों की मैं वीडियोज़ देखता हूँ यानी कि आप जब भी कमेंट्स करते हो मेरे चैनल के ऊपर आपके जो भी कमेंट्स आते हैं तो मैं आपके चैनल पर विजिट करता हूँ मेरे पास जब भी टाइम होता है तो मैं आपके चैनल पर विजिट करता हूँ और देखता हूँ कि हाँ आपकी वीडियोज़ किस तरीके से है तो बहुत सारे लोगों की ऐसी भी वीडियोज़ मुझे मिलती हैं कि उनकी वीडियो तो बहुत अच्छी बनी है लेकिन वॉल्यूम बहुत ही लो है लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि आप बोल क्या रहे हो तो जब भी आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो तो उसमें थोड़ा लाउड बोलो थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश करो जब आप तेज़ बोलोगे तो अगर बैकग्राउंड में शोरगुल भी हो रहा है ना तो वो आपके आवाज़ के सामने मतलब छिप जाएगी पता नहीं चलेगा ठीक है तो जब भी आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश करें ठीक है और जब आप बोल रहे हो तो उसमें अपना कॉन्फिडेंस दिखाने की भी आप कोशिश करें ऐसा नहीं कि बस किसी भी तरीके से नॉर्मल तरीके से बोल रहे हैं तो आपकी वीडियो भले ही बहुत ही इंटरेस्टिंग बन गई हो बहुत ही अच्छी बन गई हो और आप बोल रहे हो जैसे कि बॉडी में जान ही नहीं है तो ऐसा नहीं करना है एकदम से परफेक्ट तरीके से बोलो आप और कॉन्फिडेंस ला करके कर बोलो मतलब स्टार्टिंग में ये चीजें नहीं होती बट धीरे धीरे हो जाएंगे इस चीज़ पे अगर आप वर्क करोगे और जो भी लोग होते हैं सारे लोग सीखते सीखते ही धीरे धीरे सारी चीज़ों को सुधार करते हैं इसी तरीके से आपको भी करना है अपनी हर चीज़ को धीरे धीरे इम्प्रूव करना है ताकि आपका भी चैनल फटाफट ग्रो हो सके ठीक है तो इस वीडियो में अभी तक मैंने जो भी टिप्स आपको बताए हैं उन टिप्स को नेक्स्ट टाइम से जरूर फॉलो कीजिएगा और इससे रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा तो मिलते हैं इसी तरीके किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग